वेलकम टू एवरियल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं नल जल योजना के बारे में। तो नल जल योजना क्या है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। हर घर नल से जो जल योजना के तहत आपको 2022-23 में 3.8 करोड़ जो परिवारों को इसमें कवर किया जाएगा। इसमें क्या है, आपको 60,000 करोड़ रुपये का है आवंटन किया गया है। किसमें, आपका हर घर नल से जल योजना के तहत। नल से जल योजना ये आपका हुआ था 2019 में लॉन्च किया गया था। इसके जो नोडल एजेंसी है जल शक्ति मंत्रालय है। इसका उद्देश्य क्या है, 2024 तक जो हर ग्रामीण घर है उसमें पाइप से पीने का पानी का है सप्लाई करना है। यह सरकार के जल जीवन मिशन का एक घटक है। नल से जल योजना का जो कार्यान्वयन है ये किस तरह का होता है इसको हम देखते हैं। ये योजना एक अनूठे मॉडल पर बेस है जहाँ ग्रामीणों को शामिल करने वाली जो पानी है उसकी समितियाँ हैं यह तय करेगी कि वे अपने द्वारा जो उपयोग किए गए कंज्यूम किए जाने वाले जो पानी के लिए क्या भुगतान करेंगे। ठीक है, वह जो टैरिफ तय करते हैं वह गांव के सभी लोगों के लिए समान नहीं होगा। जिनके पास बड़े घर हैं वे अधिक भुगतान करेंगे, जबकि जो गरीब फैमिली है परिवार है ऐसे घर जहाँ कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है उन्हें का है इसमें रियायत दी जाएगी। 2018 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 600 मिलियन जो भारतीय अत्यधिक पानी के तनाव का सामना करते हैं और जो सुरक्षित पानी की अपर्याप्त पहुंच के कारण हर साल लगभग 2 लाख लोग क्या है मारे जा रहे हैं। तो 2030 तक देश की पानी की मांग उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी होने का अनुमान है, जिसका अर्थ है कि करोड़ों लोगों के लिए पानी की गंभीर कमी और देश के जो सकल घरेलू उत्पाद में 6% की का है हानि होती है। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि 84% ग्रामीण घरों में पाइप से पानी नहीं है। देश का 70% से अधिक पानी का है आपका प्रदूषित है। तो जल जीवन मिशन के बारे में अगर आप देखोगे तो क्या है, जल जीवन मिशन 2024 तक जो सफलतापूर्वक एजुकेशन में लाया जाएगा इसमें घरेलू नल कनेक्शन है के माध्यम से जो प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को कहें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की सप्लाई की परिकल्पना इसमें की गई है। तो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है, 2019 में लॉन्च किया गया था। जल जीवन मिशन के इस कार्यान्वयन को देखेंगे तो देखिए मिशन पानी के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण पर बेस है और इसमें कहें मिशन के प्रमुख घटक के रूप में शामिल हैं सूचना शिक्षा और संचार इसमें शामिल है। जल जीवन मिशन पानी के लिए एक जन आंदोलन बनाना चाहता है जिससे कि यह सबकी का प्राथमिकता बन सके और सबको इसकी ज़रूरतें पूरी हो सके। केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न है। हिमालय और जो उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए का है 9:10 है और जो अन्य राज्यों के लिए है 50:50 है और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% का है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो केंद्र है और राज्यों के बीच इसमें जो जल जीवन मिशन के लिए जो फंड है उसको शेयर किया गया है वो कितना है आपका जो हिमालय और उत्तर पूर्व राज्य के लिए 9.10% है और अन्य राज्य के लिए 50%, मतलब 50% गवर्नमेंट देगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% स्टेट गवर्नमेंट इसमें अपना फंड लगाएगी। और जो सेंट्रल केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके लिए क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट 100% अपना फंड देगी। ठीक है, हिमालय उत्तर पूर्व राज्यों के लिए इसमें क्या है आप समझ गए होंगे कि 90:10 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 90% आपका कौन देगी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% का है हिमालय जो राज्य है और जो उत्तर पूर्व राज्य है वो अपना इसमें शेयर लगाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जल जीवन मिशन आपको समझ में आया होगा क्योंकि जल जीवन मिशन ये लोगों के जीवन को बदलेगा। ऐसे क्या है हर घर में पानी को कैसे पहुँचाया जा सके इस पर सरकार ध्यान दे रही है। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।